हेलो फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन है वो है काइना का। हेलो सर, 84% 12th कॉमर्स 7 बैंड आईएलटीएस जीआईसी पेट 10 लाख आईटीआर शोन 29th नवंबर फाइल लॉज फॉर मई 2023। मैंने कोई भी एक्स्ट्रा फंड नहीं लगाए, मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ फाइल लगाई थी, एक्स्ट्रा फंड शो किए थे, उनकी पीपीआर भी आ गई है, मेरी रिफ्यूजल तो नहीं आएगी बिकॉज ऑफ नो एक्स्ट्रा फंड्स। देखिए, बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये डाउट रहता है कि अगर मैंने एक्स्ट्रा फंड नहीं लगाए तो क्या मुझे रिफ्यूज़ल आएगी, अगर मैं एक्स्ट्रा फंड लगा दूं तो क्या मुझे पीपीआर आएगा। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप एक्स्ट्रा फंड लगाते हो, एक्स्ट्रा फंड किसको हम बोल रहे हैं कि वन ईयर का ट्यूशन फीस आपने एडवांस में पे कर दिया, उसके बाद जीआईसी पे कर दी, उसके बाद सेकेंड ईयर की फीस अगर आप फंड्स के रूप में अपने बैंक में, बैंक के सेविंग में या एफडी में रखकर उसका कोई स्टेटमेंट साथ में लगा देते हैं कि अगर कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे पास सेकंड ईयर का फीस है, मैं अपने एक्सपेंस मैनेज कर सकता हूं, अगर वो करते हैं तो हम उसको एक्स्ट्रा फंड के नाम से जानते हैं। अगर आप वो एक्स्ट्रा फंड लगाते हैं तो एक स्ट्रांग पॉइंट आपकी फाइल के साथ जाता है। मगर अगर आपका जो कोर्स है वो वन ईयर का है तो अगर आपने एक्स्ट्रा फंड नहीं भी लगाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर दो साल का भी है, आपने आईटीआर 10 लाख का शो कर दिया है, यानी कि आप हर साल 10 लाख रुपया लेके आ रहे हैं, अपने घर पे इनकम हो रहा है, उसके बेस पे भी एक आप एसओपी में इसको मेंशन कर सकते हैं कि मैं अपने सेकंड ईयर के जो एक्सपेंस है उसको मैनेज कर सकता हूँ, मेरे स्पॉन्सर उसको मैनेज कर सकते हैं, तो भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल में जो आपको वीज़ा आता है, जहाँ आपको रिफ्यूज़ल आती है, वो आपकी प्रोफाइल पर आती है, ना कि सिर्फ इसलिए कि आपने एक्स्ट्रा फंड लगाए हैं या नहीं लगाए। बाकी फाइलिंग आपकी कैसे हुई, आपका एकेडमिक स्कोर कितना है, आपका आयल स्कोर कितना है, जो कि आपका बहुत अच्छा है, कोई इसमें प्रॉब्लम मुझे नहीं लगती। 7 बैंड आयल्स में है, 84% 12th में है, पास आउट अगर फ्रेश पास आउट हैं, अगर कोई गैप नहीं है ज़्यादा, तो आपकी फाइल में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपके वीज़ा के चांसेस पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव रहिए और अपने रिजल्ट की वेट करिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारी नेक्स्ट YouTube की वीडियो के किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट Q&A सेशन में आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। अगर कोई भी बच्चा इमीडिएट क्वेश्चन का आंसर चाहता है तो 9551760001 पे हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकता है, इमीडिएट उसके क्वेश्चन का आंसर उसको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।